दिल्ली पुलिस और सरकार के बीच अक्सर किसी न किसी मुद्दे पर तनातनी रहती है। वहीं अब जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एक बार फिर दिल्ली पुलिस और सरकार आमने सामने आ गए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में पुलिस की दलील पर करारा जवाब दिया है। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने 3 साल बाद अपनी चार्जशीट दाखिल की, जिसमें कन्हैया कुमार, उमर खालिद समेत 10 छात्रों को आरोपी बनाया गया। 1200 पन्नों की चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की याद में साल 2016 में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कई लोगों ने देश विरोधी नारे लगाए थे। दिल्ली पुलिस ने सरकार की मंजूरी के बिना ही पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी, जिस पर कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए 10 दिन की मोहलत दी थी। लेकिन 10 दिनों में भी पुलिस को सरकार से मंजूरी नहीं मिली, जिस पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि फाइल कहां अटकी हुई है। इस मामले में आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पुलिस पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस के रवैये की निंदा करते हुए कहा कि मामले का अध्ययन किया जा रहा है। पुलिस ने आरोप पत्र दायर करने के लिए 3 साल का समय लिया और फिर बिना इजाजत चुनाव से पूर्व इसे दायर कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि जब आप मामले के अध्ययन में 3 साल का समय ले सकते हैं तो हमें भी फाइल पढ़ने में वक्त लगेगा ही। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली पुलिस के कदम पर कई सवाल भी उठाए। डीबी लाइव की रिपोर्ट।